एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो एक सबके लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, हमें दिल्ली को एक ग्लोबल सिटी की तरह डेवलप करना है। आज हम अपने घर में बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठीक हैं। हमें दिल्ली के अंदर बहुत सारी चीज़ों को अभी एड्रेस करना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अभी ठीक करना है। तो 2047 में देश जब 100 साल पूरे कर लेगा, तब दिल्ली को हमें कहाँ लेके जाना है उसका एक रोड मैप हम लोगों को प्लानिंग तैयार करनी है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इस बार बजट में एक विजन रखा था और उसके लिए एक बजट भी रखा था ताकि उस दिशा के अंदर काम शुरू हो सके। दिल्ली एट 47 जब हम बात करते हैं तो एक बारी मन में ये भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आर वी प्रोक्रेस्टिनेटिंग डीलिंग ऑल आर एफर्ट्स। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई अभी तो चलो ठीक ठाक है, अब 2047 में देखेंगे, जब 2047 में बात करेंगे। दैट इज़ नॉट द पर्पस। द पर्पस इज़ कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स की, उन एरियाज की, उन सेक्टर्स की लिस्ट बनानी है, उनके समाधान निकालने हैं और उनकी टाइमलाइंस बनानी है, उनके माइलस्टोन्स बनाने हैं। कुछ समस्याएं हैं जो साल भर में भी ठीक हो सकती हैं, कुछ समस्याएं हैं जो 2 साल में भी ठीक हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो शायद 47 तक जाएंगी। तो अगर मैं ये कहूँ, जैसे हमने असेंबली में इस बार जब रखा कि हम अपनी दिल्ली की पर कैपिटा इनकम सिंगापुर के बराबर लेके जाएंगे, या मैं कहूं कि हम 2048 के ओलंपिक के लिए बिड करेंगे, दीज आर सम थिंग्स विच आर अ लिटिल लॉन्ग टर्म। ये कल अचीव नहीं हो सकती, ये 1 साल में अचीव नहीं हो सकती, ये 2 साल में अचीव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं कहूं कि हम 24 घंटे दिल्ली में पानी देंगे, ये 2047 तक वेट नहीं करना चाहिए। दिस शुड हैपन इन नेक्स्ट 1 year, 2 years, 3 years। कम से कम अगले चुनाव के पहले तो दिल्ली के अंदर 24 घंटे पानी मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पिछले 5 साल में हम लोग नए नए राजनीति में आए हैं, हमें राजनीति उतनी अच्छी करनी नहीं आती, लेकिन समस्याओं का समाधान ढूंढने का हम ईमानदारी से एफर्ट करते हैं। पिछले 5 साल के हमारे एक्सपीरियंस ने ये दिखाया कि समाधान निकाले जा सकते हैं, समाधान ढूंढे जा सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए।